हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम डिफरेंट पोर्टल्स जो कि सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं पिछले कुछ 6 महीनों में, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला जो पोर्टल है हमारा वो है गति। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ऑनलाइन वेब पोर्टल गति लॉन्च किया है। ये पोर्टल क्रिएट किया गया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। एपीएमओ के द्वारा एक प्रगति पोर्टल बनाया गया था, उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए गति पोर्टल बनाया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। इसको एनएचएआई की वेबसाइट से भी एक्सेस किया जा सकता है। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कंसेशनरीज हैं, वो आराम से किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इशू, कोई भी दिक्कत आती है तो उस पोर्टल पर वो बता सकते हैं। कोई भी इशू अगर इस पोर्टल में डाला जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, तो वो एनएचएआई के हर ऑफिशियल की नज़रों में आ जाएगा, इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट, और उस चीज़ पे एक इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और हाईवे कंस्ट्रक्शन में रियल गति जाएगी, यानी कि स्पीड काफ़ी तेज़ी से होगा, काम डिसीजन मेकिंग काफ़ी गति से होगा, इसलिए इसका नाम रखा गया गति, वेब पोर्टल गति, ठीक है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में ये भी न्यूज़ में रहा था, पेंसिल पोर्टल। यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, इसने लोकसभा को इन्फॉर्म किया कि जो उसका पेंसिल पोर्टल है उसमें 361 कंप्लेंट्स चाइल्ड लेबर के तहत रिजोल्व की जा चुकी है। अब ये जो पेंसिल है, पेंसिल की एक फुल फॉर्म है इस पोर्टल की, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, याद रखना, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। 2017 में इसे लॉन्च किया गया था, पोर्टल काफ़ी पुराना है, हालांकि न्यूज़ में है तो यूपीएससी के परस्पेक्टिव से काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। ये एक सेपरेट ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, मतलब इसमें जो चाइल्ड लेबर एक्ट है और नेशनल चाइल्ड लेबर जो प्रोजेक्ट स्कीम है उसका सही तरीके से स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन प्लस इफेक्टिव इन्फोर्समेंट हो, इसलिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया। ये जो पेंसिल पोर्टल है इसके कई कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, कंप्लेंट कॉर्नर, स्टेट गवर्नमेंट के लिए नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, और कई जो है इसमें कंपोनेंट्स इसमें जोड़े गए हैं जिसके तहत कोई भी कंप्लेंट करी जा सकती है। ये पोर्टल कनेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट से, जितने भी प्रोजेक्ट सोसाइटीज़ हैं उनसे, और सबसे इम्पोर्टेंट जनरल पब्लिक से। ऑनलाइन कंप्लेंट जो भी आएगी चाइल्ड लेबर के तहत, वो किसी के भी द्वारा पेंसिल पोर्टल पे फाइल की जा सकती है। जो कंप्लेंट होता है, जो कंप्लेंट की गई और जो कंप्लेंट करने वाला है उनको सहायता दी जाएगी, उनको उनसे बात की जाएगी सरकार के द्वारा, और उस पर फर्दर नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा जो उनकी शिकायत होगी। अब शिकायतें तो 1010 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स ने कहा है कि 361 कंप्लेंट्स 1010 कंप्लेंट्स में से हमने रिजोल्व कर चुके हैं। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, देखो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब हमारे देश में दो तरह की स्कीम चलती हैं मेनली, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेंटर सेक्टर स्कीम वो होती है जिसमें सारा पैसा सेंटर देती है, और मेनली यूनियन लिस्ट की सब्जेक्ट्स के अंदर ये स्कीम बनाई जाती है। तो जाहिर सी बात है इम्प्लीमेंट करने वाली भी यूनियन गवर्नमेंट ही होगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% पैसा केंद्र सरकार की तरफ से आता है। दूसरी है हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें सरकार की तरफ से रेशियो में पैसा आता है कि राज्य सरकार कुछ पैसा बांटती है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से कुछ पैसा देती है, 80-20, 70-30, 90-10 का रेशियो कई बार रहता है। और अगर जनरली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो किसी भी चीज़ पर जो स्कीम बनाई जा रही है, अगर वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राज्य सरकार की भागीदारी है, तो राज्य सरकार की स्टेट जो लिस्ट होती है अपनी बेसिकली, उसमें ही ये उसकी सब्जेक्ट में स्कीम निकल के आती है, और मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही इम्प्लीमेंटेड होती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट वाली होगी, यूनियन लिस्ट वाली भी होती है, तो यूनियन लिस्ट पर अगर काम किया जा रहा है तो इम्प्लीमेंटेशन यूनियन गवर्नमेंट करेगी। तो दो फैक्टर जो जरूरी है वो जानने, एक तो ये जो डिफरेंस है, सेंट्रल सेक्टर में पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में कुछ पैसा राज्य सरकार यहाँ पे देती है।
नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट इसी तरह की एक सेंट्रल स्कीम है जिसमें कि सारा पैसा केंद्र सरकार देती है। इस स्कीम के अंदर फंड्स दिए जाएंगे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज़ को, और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज़ जो होंगी उनको हेड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर या वहाँ के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा, जो कि पैसा जहाँ से आया निकल के नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो पैसा एनजीओज़ वॉलंटरी एजेंसीज में बांटा जाएगा ताकि स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर चल सके। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के बारे में इतना जानना जरूरी है। अब एक दूसरा करंट अफेयर पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी स्लाइड में इसे जोड़ दिया गया है, माफ़ कीजिए। यूनियन मिनिस्टर ने फॉर पावर एंड जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस हैं, दोनों ने मिलकर जॉइंटली प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया। प्रकाश जो पोर्टल है वो बेसिकली आप देखोगे कोल सप्लाई से रिलेटेड है, कोल सप्लाई से रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी और बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया गया है। अच्छा, प्रकाश पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हारमनी, पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हारमनी। ये पोर्टल एम करता है कि बेटर कंडीशन हो, कोल सप्लाई ढंग से हो, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, भाई कोल को निकालने में कई सारी मिनिस्ट्रीज का योगदान होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोल इंडिया, ये जो PSU है, रेलवेज और कुछ पावर यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल होता है। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, असमंजस की स्थिति पैदा ना हो, कोऑर्डिनेशन ढंग से रहेगा तो कोयले की सप्लाई आपूर्ति ढंग से होगी। और एक बहुत ज़रूरी कदम था ये, ताकि अवेलेबिलिटी एडुकेट तरीके से हो और जो कोल है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो थर्मल पावर प्लांट्स में, इसलिए ज़रूरी था प्रकाश पोर्टल। इसको डेवलप करने वाली संस्था है NTPC। NTPC के बारे में आप याद रखिएगा, प्रकाश पोर्टल को डेवलप किया गया है NTPC के द्वारा और डाटा कई सोर्सेज से लिया गया है, कई सोर्सेज स्टेक होल्डर्स के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम और कुछ कॉल कंपनियों से डाटा लिया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स डेडिकेटेड नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल टू द नेशन, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ये यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स के द्वारा रिलीज किया गया। अब ऑफकोर्स अगर क्राइम की बात है, साइबर क्राइम की बात है, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर अफेयर्स के अंतर्गत ही वो मामला आता है। और पायलट बेसिस पे इस पोर्टल को लॉन्च किया गया अगस्त 2019 में। इस ये पोर्टल बेसिकली इसमें साइबर क्राइम से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं वो होती है, स्पेसिफिक फोकस किया जाता है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन, और उसमें भी पार्टिकुलरली चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे, चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल पे, ऑनलाइन कंटेंट पे। अभी हाल ही में एक खबर आई, हमारे मैं राजस्थान में रहता हूँ, न्यूज़पेपर में खबर आई कि अभी व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप में एक आदमी था जिसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो वीडियो है वो भेजी। अब एडमिन ने उसे निकाल तो दिया, लेकिन वो किसी तरीके से किसी ने शिकायत कर दी और उस शिकायत की गई थी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे। शिकायत करते ही उस आदमी को पकड़ा, वो आदमी को पुलिस वाले ले अपने जब्त कर लिए और उसको जो है जेल ले गए। लेकिन बात ये निकल के आती, वो जो आदमी था जिसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाली वीडियो भेजी वो एक NGO चलाता था, नशा मुक्ति केंद्र चलाता था। तो इस तरह के भी देश में आदमी हैं और इसलिए पोर्टल डेवलप करना जरूरी है। उसका सीधा साधा एग्जाम्पल मैंने अखबार में देख लिया। तो पोर्टल बेसिकली कोऑर्डिनेशन करता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ में, अलग अलग राज्यों की डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशंस में कोऑर्डिनेशन बनाता है ताकि साइबर क्राइम से कोऑर्डिनेटेड और इफेक्टिव मैनर में डील किया जा सके। और आप देखोगे कि इस पोर्टल से काफ़ी खुशी की बात है कि 700 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स और मोर देन 3,900 पुलिस स्टेशन जुड़ चुके हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल लॉन्च किया नेशनल लेवल पे। दिस इज अ सिंगल विंडो सिस्टम फॉर इशूइंग लाइसेंसेज टू प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी। आपको पता है हमारे देश में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं जो प्राइवेट बॉडीगार्ड्स प्रोवाइड कराती हैं, प्राइवेट जो बाउंसर्स प्रोवाइड कराती हैं, तो एक सिंगल विंडो सिस्टम है उनके लिए ताकि उनको लाइसेंस ढंग से दिया जाए। द पोर्टल विल बी अवेलेबल इन ऑल ऑफिशियल लिंक्डइन लैंग्वेजेस इन नेक्स्ट 90 डेज। पोर्टल जब लॉन्च हुआ था उससे 90 दिन के अंदर इसको ऑल ऑफिशियल लिंक्डइन लैंग्वेजेस में अवेलेबल करवा दिया गया। उसमें एक सेक्शन है जिसमें ये देख सकते हैं कि वो जिस एजेंसी पे लोग जिस एजेंसी को हायर कर रहे हैं, मान लो कोई VIP है जिसको लगता है कि उसको खतरा है दुश्मन का किसी भी चीज़ का, तो अगर वो किसी भी एजेंसी की सहायता लेता है, बाउंसर्स को हायर करता है, तो इस पोर्टल पे जाके वो देख सकता है कि वो जिस एजेंसी से की मदद ले रहा है उस पे उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, कि फर्जी जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी चला रही है, वो जो बाउंसर जो बॉडीगार्ड उस आदमी को प्रोवाइड कर रही है वास्तव में ट्रेंड है कि नहीं है, क्योंकि ट्रेंड जो होंगी उनको ही लाइसेंस मिलेगा। दिस ऑनलाइन पोर्टल वुड बी यूजफुल इन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंटी इन लाइसेंसिंग इन दिस सेक्टर एंड वुड गिव अ बूस्ट टू इट्स क्रेडिबिलिटी। इस सेक्टर के अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में काम आएगा और क्रेडिबिलिटी को बूस्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा।
रहेगा, बहुत इजी हो जाएगा कि किसी भी एजेंसी को कोई भी जो है रजिस्टर हो सकता है, किसी भी स्टेट में दूसरी स्टेट में काम कर सकता है, क्योंकि वो कह सकता है कि देखो हम लाइसेंस है, हम रजिस्टर्ड है इस पोर्टल पे, तो दूसरे राज्य में आके वो एजेंसी काम कर सकती है और अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ा सकती है, अपनी सर्विस और राज्यों में दे सकती है। इससे जो लाइसेंसिंग रिज्यूम है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और देखो टेक्नोलॉजी वैसे भी करप्शन करने का काम करती है, करप्शन का एक ही इलाज होता है टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से अगर लाइसेंसेस देखें, अगर हमारे देश में अगर सारा सब कुछ टेक्नोलॉजी से होने लग जाए तो करप्शन 90% तक कम हो जाएगा। तो ये पोर्टल वगैरह ये एक तरीका है इस तरीके से करप्शन कम करने का। और होम मिनिस्ट्री की तारीफ करनी चाहिए कि वो इस तरीके से लाइसेंसिंग को स्ट्रीमलाइन, लाइसेंसिंग जो प्रोसेस उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही है, ताकि जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है उसका ख्याल रख सकें और उनमें जो फर्जी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको दूर कर सकें। अब ये बेसिकली प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेट कैसी होती है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005 के द्वारा। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेट होती है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005 के द्वारा। देखो गुजरात में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, महाराष्ट्र में 1309 है। तो मतलब काफ़ी रोचक बात है ये, गुजरात में सबसे ज़्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज है, वो भी 2249 और महाराष्ट्र में 1309। तो इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज भी होती थी, मुझे नहीं पता था ये पढ़ने से पहले, लेकिन इसके बारे में आपको याद रखना है। अच्छा, पहला पब्लिक इंफॉर्मेशन पोर्टल अभी लॉन्च किया गया राजस्थान के द्वारा और अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कई अखबारों ने, न्यूज़पेपर ने भी इसे कवर किया, द हिंदू में तो 2-3 दिन तक आर्टिकल आते गए थे। तो बेसिकली ये लॉन्च किया गया पोर्टल, इसमें अलग क्या है मैं आपको बता दूँ। देखो यूजुअली क्या होता है कि आपको किसी भी पब्लिक अथॉरिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप RTI फिल करते हो। अब RTI जब आप फिल करते हो तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तब जाके आपकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। राजस्थान गवर्नमेंट एक कदम आगे बढ़ के एक ऐसा पोर्टल लाई है जिसमें बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी ज़रूरत के, आप केवल पोर्टल पर जाइए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे आप कोई भी हो, आपको किसी भी एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं है। तो राजस्थान सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया, जन सूचना पोर्टल इसका नाम है, इसको RTI एक्ट के सेक्शन 4 क्लॉज 2 के अंतर्गत किया गया कि पब्लिक अथॉरिटीज़ पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगी। अब RTI के अंदर आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ती थी, इसमें पब्लिक अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगी लेकिन सामने आके खुद से, किसी बिना किसी एप्लीकेशन के। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें माइंड से रिलेटेड, लोगों की स्कीम से रिलेटेड बहुत ही जो सूक्ष्म इन्फॉर्मेशन भी इसमें दी जाएंगी। माइंड वाला जो क्षेत्र, खदान वाला ऐसा क्षेत्र है जिसमें इन्फॉर्मेशन ढंग से नहीं मिल पाती, ट्रांसपेरेंसी बेहद कम होती है, और ऐसी अगर माइंस और स्कीम्स के बारे में अगर लोगों को नॉलेज रहेगी, इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो काफी अच्छी तरीके से जो है राइट टू इंफॉर्मेशन को एक बढ़ावा मिलेगा। बेसिकली अभी तो 13 डिपार्टमेंट्स के साथ ही काम कर रही है राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ भी कोलैबोरेट करने की कोशिश की है इस पोर्टल को डेवलप करने में। यह पोर्टल जो है यहाँ पे, अब देखो RTI मूवमेंट शुरू राजस्थान में हुआ था 1990 में, तो एक स्टेटस तो राजस्थान को यह मिला हुआ है। दूसरी बात, अब इस पोर्टल को लॉन्च करने वाला भी राजस्थान है और मैं चाहता हूँ कि जितने भी राज्य और राजस्थान से सीखें और जहाँ तक है और राज्य इस चीज़ पे चल रहे हैं। हालांकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस ये होंगे कि सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन अप टू डेट रहे, दूसरी बात लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी कैसे, मतलब आपको पता है डिजिटल इनक्वालिटी कितनी है, तो लोग जो हैं छोटी छोटी चीज़ के लिए खुद ये पोर्टल नहीं खोल सकते, तो उनको जगह जगह ई मित्र वगैरह जाना पड़ता है। तो ये दिक्कतें ना आए इसके लिए सरकार को काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, हालांकि इसकी शुरुआत हुई है जो कि अपने आप में काबिल तारीफ है। यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में क्रेडिट लिंक सब्सिडी सर्विसेज आवास पोर्टल लॉन्च किया न्यू दिल्ली में। ये जो पोर्टल है ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट रियल टाइम वेब बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसमें आप देखोगे जो अपना जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर एक रियल टाइम वेब बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है कि कोई भी अगर बेनिफिशियरी अगर वो सब्सिडी का फ़ायदा उठा रहा है तो एक बेनिफिशियरी जो है ट्रैक कर सकता है कि उसका एप्लीकेशन स्टेटस कब तक पहुंचा, कहां पहुंचा, कितना टाइम उसमें लग रहा है। क्लैप इसका नाम है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सर्विसेज आवास पोर्टल, क्लैप। क्लैप की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्लैप काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल होगा, काफ़ी मददगार होगा जो बेनिफिशरीज़ के जो प्रॉब्लम्स हमको सोल्व करने में, और बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से काम होगा। जैसे मैंने अगर इस अब मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर सब्सिडी ले रहा हूँ तो मुझे पता चल जाए कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो कब कहाँ तक पहुँची, क्या मुझे सब्सिडी मिलेगी भी नहीं मिलेगी। तो मतलब ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये इनिशिएटिव 2015 में लॉन्च हुआ था, इसने वादा किया था कि 2022 तक जितने भी गरीब लोग हैं, मतलब अर्बन पुअर पॉपुलेशन ये याद रखना, अर्बन पुअर पॉपुलेशन को अफोर्डेबल हाउसिंग देने का वादा किया था।
स्कीम फोकस करती है स्लम रिहेबिलिटेशन पे, जो कच्चे पक्के जो झोपड़ियाँ मकान है उनसे उनको पक्के मकान दिए जाए। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है इसमें कि जिसमें सब्सिडी दी जाती है कि भैया आप लोन ले लो और रिनोवेशन कराने की कोशिश करो, सरकार आपको पैसा देगी। तो या तो रिनोवेशन करा लो या नए घर बना लो, सरकार आपको जो सहायता इसमें देगी। अब जितने भी फोकस एरिया बताए आपको ऊपर, उनमें आप देखोगे जो ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है ये ओनली स्कीम है जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पे इम्प्लीमेंट करी जाएगी। क्रेडिट लिंक सब्सिडी जो स्कीम है जिसमें सब्सिडी जो मैं कोई भी अगर लोन ले रहा हूँ, कोई भी जो अर्बन पुअर लोग हैं जो लोन ले रहे हैं तो उनको अगर सब्सिडी चाहिए तो वो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की तरफ जा सकते हैं। और ये स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना का एक पार्ट है और ये सेंट्रल सेक्टर है। सारा का पैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार देती है और इम्प्लीमेंट भी इसमें जहाँ तक है केंद्र सरकार ही करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के जरिए ये एम करती है कि क्रेडिट फ्लो बना रहे हाउसिंग नीड्स के लिए। भाई गरीबों को घर चाहिए, बैंकों को क्या चाहिए कि उनका लोन बिकता रहे, लोन लेते रहे। क्रेडिट फ्लो जरूरी है, घर बनने जरूरी हैं, तो इसलिए दोनों को कनेक्ट कर दिया कि गरीब लोग जिनको लग रहा है उनके पास पैसे की कमी है, सरकार से मदद लेके थोड़ा बहुत पैसा खुद से जोड़ के, थोड़ा बहुत पैसा सरकार सब्सिडी लेके, लोन लेके घर बना सकती हैं। बैंकों का भी काम हो जाएगा, क्रेडिट फ्लो बना रहेगा तो इकोनॉमी भी चल पड़ेगी। तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम बहुत जरूरी है और ये बेसिकली इंप्लीमेंट हुई है दो सेंट्रल नोडल एजेंसीज के द्वारा, एक तो हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन हाउसिंग बैंक। मैं रिपीट कर देता हूँ, क्रेडिट लिंक जो सब्सिडी स्कीम है उसको दो सेंट्रल नोडल एजेंसीज के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, एक है हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्प और दूसरी नेशनल हाउसिंग बैंक। ये आपको याद रखना है। तो ये पोर्टल है, ये मैंने आपको बताया, ये सब्सिडी से रिलेटेड बेनिफिशियरी की एप्लीकेशन की स्टेटस क्या है रियल टाइम के अंदर बताएगा बहुत कॉम्प्रहेंसिव और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। अच्छा, MHRD ने लॉन्च किया है शाला दर्पण पोर्टल नवोदय विद्यालय समिति के लिए। अब शाला दर्पण एक पोर्टल है, एंड टू एंड ई गवर्नेंस स्कूल ऑटोमेशन मैनेजमेंट सिस्टम है नवोदय विद्यालय समिति के लिए। एक सिंगल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म होगा जिसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाएगी। जितने भी 22,000 एम्प्लॉयज़ हैं और 200,000 स्टूडेंट्स हैं नवोदय विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं, अब उनमें एक तो ट्रांसपेरेंसी, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल सकती है। 200,000 स्टूडेंट्स हैं करीब जितने भी आपके नवोदय विद्यालय हैं देश भर में, और 22,000 एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं टीचर से लेकर जो चपरासी है सबके साथ यहाँ पे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है इस पोर्टल में। शाला दर्पण पोर्टल इसका नाम है, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको तैयार किया है। एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं इस पोर्टल के अंदर और कंप्लीट स्कूल ऑटोमेशन किया जाएगा। और काफ़ी आप देखोगे कि कई कॉम्पोनेंट्स हैं, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ भी मैनेज की जा सकती है, एम्प्लॉयज़ की बजट और फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम भी, इन्वेंट्री एंड स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम भी है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम भी है। तो नवोदय विद्यालय क्या है, नवोदय विद्यालय एक को एजुकेशनल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं जो कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा एस्टेब्लिश किए जाते हैं। नवोदय विद्यालय समिति अपने आप में एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि MHRD के अंदर आता है, जो कि क्वालिटी मॉडल एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात करता है। तो नवोदय जो विद्यालय है आप देखोगे उनके लिए शाला दर्पण पोर्टल लाया गया है मिनिस्टर ऑफ HRD के द्वारा। ठीक है गाइज, ये थी हमारी वीडियो, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ वीडियो खत्म करने से पहले, हमारे कई कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, कई कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, जितने भी अब NCERTs हैं सब्जेक्ट वाइज हमारे कोर्सेज चलते हैं बहुत ही चीप, उनकी रेट डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।